सोनभद्र जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के देवरी में देवरा गांव में रविवार को मवेशी बांधने को लेकर सगे भाइयों में विवाद हो गया। इस दौरान फायरिंग में बड़ा भाई जख्मी हुआ, उसे सिर के पास गोली लगी है। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने वाराणसी रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस गांव पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। देवरी में देवरा ग्राम पंचायत के टोला डीवी निवासी बलिराम यादव का अपने सगे भाई लक्ष्मी यादव से विवाद चल रहा है। रविवार को घर के बाहर मवेशी बांधने को लेकर दोनों भाई भिड़ गए। गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान एक पक्ष फायरिंग में बलिराम यादव जख्मी हो गया। सिर के पास गोली लगने से वह गिर पड़ा। लहूलुहान हाल में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए। यहां प्रारंभिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने वाराणसी रेफर कर दिया। एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है, जल्द ही आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अभी एक गनशॉट इंजरी पेशेंट आया था यहाँ पे। कहाँ से आया था सर और क्या स्थिति थी उसकी, क्या इलाज किया? ये बलराम नाम का मरीज था, उम्र 52 वर्ष की उम्र है और रामपुर पैठानी रहने वाले थे और स्थिति की अत्यंत गंभीर थी और यहाँ पे प्राथमिक उपचार देने के बाद उसको ट्रामा सेंटर बी एच यू वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। तो सर क्या रेफर होके कहीं से आए थे या सीधे यहाँ लाए? नहीं, उनको यहाँ पर क्षेत्रीय पुलिस द्वारा लाया गया। तो गोली कहाँ लगी थी? गोली का कोई निश्चित नहीं है, इसका अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है कि गोली लगी थी या नहीं लगी थी या किस तरह का वुंड है, इसलिए हमने उसको अभी अपने रिपोर्ट में केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है। गोली लगने का स्थिति एक्सरे या फर्दर जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सोनभद्र से शक्तिपाल की एक रिपोर्ट।